5.2 में हम 13 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे, इसके आगे 14 क्वेश्चन जो है वहां से हम इस लेक्चर में स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। दस और 250 के बीच में 4 के जो गुणज हैं वो बताना है हमें कितने हैं। तो गुणज क्या कहलाता है? गुणज का मतलब होता है कि वो संख्या डिवाइड होनी चाहिए। जैसे हम बोलें कि 4 का गुणज, इसका मतलब है ऐसी संख्या जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग चला जाता है तो वो 4 की गुणज कहलाएगी। तो 10 और 250 के बीच में अगर देखा जाए तो जो 10 के बाद 11 है उसमें 4 से भाग नहीं जाता, तो 11 जो है 4 का गुणज नहीं है। इसके बाद देखें हम 12 में 4 से भाग चला जाता है पूरा पूरा, तो 12 जो है 4 का गुणज होगा। इसके बाद 12 के बाद 4 और ऐड कर दें तो अगला होगा 16, अगला होगा 20 और लास्ट में देखा जाए 250, तो 250 4 का गुणज नहीं है, 249 भी नहीं है, 248 ये 4 का गुणज है, 248। तो यहां पे हम देख पा रहे हैं कि जो फर्स्ट टर्म है वो कितना है 12, तो a इज इक्वल 12, और अगर इसका डिफरेंस देखें तो डिफरेंस कितना है 4, और जो हमारा लास्ट टर्म है वो है 248। और हमें निकालना है कि कितने गुणज होंगे, मतलब हमें नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए, तो n का वैल्यू चाहिए है। तो यहां पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे l इज इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू d। 248 a का वैल्यू है 12 प्लस n माइनस 1 इंटू d का वैल्यू है 4। 248 माइनस 12 इज इक्वल n माइनस 1 इंटू 4, यहां हम 8 में से 2 माइनस करेंगे तो मिलेगा 6, 4 में से 1 माइनस किया तो मिला 3, और ये हम 4 से डिवाइड कर देंगे 59। n माइनस 1 इज इक्वल 59, तो n इज इक्वल 59 प्लस 1, n इज इक्वल 60। इस तरह से नंबर ऑफ टर्म्स आ गए 60, मतलब ऐसे 60 n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 और 317 के nवें पद बराबर होंगे। यहां हमें दो एपी दी गई हैं, जो पहली एपी है वो है हमारी 63, 65, 67। इस तरह से इसमें a इज इक्वल होगा 63, d इज इक्वल होगा 2, तो इसका nवां टर्म होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू d। a का वैल्यू है 63 प्लस n माइनस 1 इंटू d का वैल्यू है 2, और हमारा जो दूसरा ap है वो हमें दिया गया 3, 10, 17 इस तरह से। और तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि a इज इक्वल है 3, d इज इक्वल है 10 माइनस 3 यानी कि 7, तो इसका nवां टर्म होगा a n इज इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू d, a का वैल्यू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू d का वैल्यू 7। क्वेश्चन में कहा गया है कि इन दोनों ap के जो nवें टर्म है वो इक्वल है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो nवां टर्म है इसका, इसको हम इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट देते हैं और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड, तो ये दोनों इक्वल होंगे। इसका मतलब है 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिलेगा 63 प्लस 2n माइनस 2 हो जाएगा, ये 2n माइनस 2 और यहाँ पर 3 प्लस 7n माइनस 7, तो ये हो जाएगा 2n, 63 में से हम 2 माइनस करेंगे 61 मिलेगा, 7n, 3 में से 7 माइनस करेंगे हमें 4 मिलेगा, 2n माइनस 7n माइनस 4 माइनस 61, तो ये हो जाएगा माइनस 5n माइनस 65, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, n इज इक्वल 65 अपॉन 5, n इज इक्वल 13, तो जो 13th टर्म होंगे वो इक्वल होंगे इनके। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 लिखा हुआ है, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। क्वेश्चन नंबर 16,
हमने मान लिया कि एपी का जो फर्स्ट टर्म है वो ए है और उसका जो डिफरेंस है वो डी है। अब क्या दिया गया, क्वेश्चन में दिया गया है कि इसका जो तीसरा पद है वो 16 है। तीसरा पद होता है a प्लस 2d इज इक्वल 16, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अब लिखा हुआ है सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। जो सातवां पद है, क्वेश्चन में लिखा है सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। सातवां पद जो है वो पांचवें पद से 12 अधिक है, तो पांचवें पद में हम 12 ऐड कर देंगे। सातवां पद होगा a प्लस 6d, यहाँ हो जाएगा a प्लस 4d प्लस 12, a से a कैंसिल हो जाएगा, 6d माइनस 4d इज इक्वल 12, 2d इज इक्वल 12, तो d इज इक्वल बिला हमें 6। d का वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो a प्लस 2 इंटू डी, डी का वैल्यू है 6 इज इक्वल 16, ए प्लस 12 इज इक्वल 16, तो a इज इक्वल 16 माइनस 12 यानी कि a इज इक्वल 4। हमें a का वैल्यू मिल गया, d का वैल्यू। अब हमसे ap पूछा गया है, तो ap क्या होती है, फर्स्ट टर्म होता है a, सेकेंड टर्म होता है a प्लस डी, थर्ड टर्म होता है a प्लस 2d, इस तरह से चलता है। तो a का वैल्यू है 4, यहाँ 4 प्लस डी का वैल्यू है 6, 4 प्लस 2 इंटू 6 तो ये जगह 4 10, ए का वैल्यू हमें यहाँ पे रखना है 4, तो ये हो जाएगा 16। इस तरह से ये हमें एपी प्राप्त हुई, ये हमारा हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ है एपी 3813 एंड 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17, दी गई एपी है 3813 और इसका लास्ट टर्म है 253। यहाँ a इज इक्वल हो जाएगा 3, d इज इक्वल 8 माइनस 3 5 और लास्ट टर्म जो है वो है 253। क्वेश्चन में पूछा गया है अंतिम से 20वां पद, तो अंत से कोई पद निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है, अंत से nवां पद निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहां हमें चाहिए 20वां पद, अंत से 20वां पद, मतलब l 253 होगा माइनस n की जगह हम रखेंगे 20 माइनस 1, डी का वैल्यू है 5, तो 253 माइनस 19 इंटू 5, 253 माइनस 95, ये माइनस कर देंगे 158, ये होगा अंत से 20वां पद। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ है किसी एपी के चौथे और आठवें पदों का योग 24 है और छठे और दसवें पदों का योग 44 है, इस एपी के प्रथम तीन पद ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18, हमने मान लिया कि एपी का जो फर्स्ट टर्म है वो ए है और उसका जो डिफरेंस है वो डी है। दिया है चौथे और आठवें पदों का योग 24 है, चौथा पद और आठवां पद a4 प्लस a8 इज इक्वल 24, चौथा पद होगा a प्लस 3d और आठवां पद होगा a प्लस 7d इज इक्वल 24, a और a ऐड होके 2a हो जाएगा, 7d 3d हो जाएगा 10d इज इक्वल 24। यहाँ 2 से हम डिवाइड कर देंगे, सभी जगह 2 से भाग जा रहा है यहाँ पे, तो a प्लस 5d इज इक्वल 12, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आगे लिखा हुआ छठे और दसवें पदों का योग 44 है, a 6 प्लस a 10 इज इक्वल 44, छठे और दसवें पदों का योग 44 है। छठवां पद होगा a प्लस 5d और दसवां पद होगा a प्लस 9d इज इक्वल 44, तो ये हो जाएगा 2a प्लस
14d इज इक्वल 44, यहाँ हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो मिलेगा हमें a प्लस 7d इज इक्वल 22। इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट में से हम इक्वेशन सेकंड को क्या कर देंगे माइनस, तो हमें मिलेगा a प्लस 5d इज इक्वल 12, a प्लस 7d इज इक्वल 22। ये माइनस करेंगे कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2d इज इक्वल माइनस 10, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, d इज इक्वल मिलेगा 5। d का वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, इक्वेशन फर्स्ट है हमारा a प्लस 5d इज इक्वल 12, तो d का वैल्यू हमें रखना है 5 इंटू 5, ये हो जाएगा 25, और 25 को हम माइनस कर देंगे तो हमें मिलेगा माइनस 13। ए का वैल्यू मिला हमें माइनस 13। अब हमें स्टार्टिंग के तीन पद निकालना है तो क्या होंगे, ए ए प्लस डी ए प्लस 2d, ए का वैल्यू है माइनस 13, माइनस 13 प्लस डी का वैल्यू है 5, माइनस 13 प्लस 2 इंटू 5, तो ये हो जाएगा माइनस 13 माइनस 8, ये 5 इंटू 2 10, 10 में से हम 13 माइनस करेंगे, माइनस का 3, ये हो जाएगा हमारा आंसर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा हुआ है, सुब्बा राव ने 1995 में 5000 रुपए के मासिक वेतन पद पर कार्य प्रारंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वृद्धि प्राप्त की, किस वर्ष में उसका वेतन 7000 हो गया। तो सबसे पहले तो हमें दिया गया है 1995 में उसकी जो वेतन थी, मासिक वेतन वो क्या थी, 5000 रुपये। इसके बाद लिखा हुआ है प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि हुई। 1996 में वेतन क्या हो जाएगी, 200 हम इसमें ऐड कर देंगे क्योंकि 200 की वृद्धि हो गई, तो ये हो जाएगा 5200 रुपये। इसके बाद 1997 में मासिक वेतन क्या हो जाएगी, इसमें 200 और ऐड कर देंगे, 5400 रुपये। और क्या लिखा है, किस वर्ष में उसका वेतन 7000 हो गया, तो हम मान लेंगे कि एनवे वर्ष में मासिक वेतन हो गया उसका 7000 रुपये। तो प्राप्त एपी जो है वो क्या है, यहां में एपी प्राप्त हुई, सबसे पहला टर्म जो मिला 5200 5400, और ये जो लास्ट टर्म मिला हमें मिला 7000। ए इज इक्वल 5000, डी इज इक्वल, यहाँ हम 5200 में से 5000 को माइनस करेंगे, हमें मिलेगा डी इज इक्वल 200, और लास्ट टर्म जो है वो है 7000। अब क्वेश्चन में पूछा हुआ है उसने कि किस वर्ष में वेतन 7000 हो जाएगा, मतलब हमें नंबर निकालना है, नंबर ऑफ ईयर किस वर्ष में, तो n का मान निकालना है। n का मान हम निकालेंगे कौन से फॉर्मूला से, l इज इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ हम l का वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ a का और यहाँ d का, तो हमें n का वैल्यू मिल जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन जो 5.2 का है, उसमें लिखा हुआ है, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 रुपये बढ़ाती गई, यदि एनवे सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.50 हो जाती है तो एन ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी आपको क्वेश्चन नंबर 19 की तरह करना है। पहले सप्ताह की बचत है 50 रुपये, इसके बाद लिखा हुआ है हर सप्ताह वो अपनी बचत 17.5 रुपये बढ़ाती गई, तो अगले सप्ताह की बचत क्या हो जाएगी, 50 और 17 हो जाएंगे 67, इसमें फिर से हम ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 85.0, और nवें सप्ताह में उसकी बचत हो जाती है 207.50। इस तरह से ये ए हो जाएगा। ये डी कैसे निकालेंगे हम,
सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे और ये हो जाएगा एल, और एल इज इक्वल ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी का फॉर्मूला यूज करके हम एन का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। इस तरह से एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट पार्ट में हम एक्सरसाइज 5.3 पे डिस्कस करेंगे।